व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी यहाँ पे ओप्पो कंपनी का फोन या फिर कोई और एंड्रॉइड मोबाइल और आपके फोन में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप को, पर यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग वेरीफाइड बाय प्ले प्रोडक्ट। तो अगर आपके सामने कुछ तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली 3 से 4 स्टेप फॉलो करने हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो इस तरीके से आ रहा है। जब हम इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये कैंसिल हो जा रहा है ऑटोमेटिक, या फिर दोस्तों ये पेंडिंग में चला जा रहा है। काफी देर तक ये पेंडिंग में ये आ रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में इसको करना है कैंसिल। कैंसिल करने के बाद आपको आ जाना बैक। बैक करने का दोस्तों इस तरह से पूरी तरह से बैक जब आ जाएंगे तो अपने फोन की मेन्यू में आपको आ जाना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ओपन कर लेना अपने फोन की सेटिंग को। यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी फोन हो आपको इस तरीके से सेटअप को करना है जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। अपने फोन की सेटिंग इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं या फिर अपने फोन की पेज को इस तरह स्लाइड करके भी अपने फोन की सेटिंग को आप ओपन कर सकते हैं कोने में टच करके। फिर आपको अपने पेज को स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको ढूंढ लेना एप्स वाले ऑप्शन को, इस पर टच करने का दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको एप्स मैनेजमेंट। तो आपको इस पे करना है टच। किसी किसी फोन में दोस्तों एप्स मैनेजर के नाम से भी होता है, तो आपको इस पे करना है टच। फिर आपके सामने जो भी आपके फोन में एप्स डाउनलोड है या जो भी आपने डाउनलोड कर रखे या फिर इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे एप्स शो हो जाएंगे। तो इसमें आपको सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर वाले ऐप को। तो आपको इसको करना है ओपन। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे उस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये ऑप्शन इस तरीके से ना मिले तो आप यहाँ पर सिंपली अपने फोन में प्ले स्टोर वाले ऐप को इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपका यह तरीका दोस्तों मोस्टली फोन में यूज करेगा जो मैं आपको ये बता रहा हूँ लास्ट वाला। तो आपको इस पे करना आई बटन पे टच और आप देखेंगे सेम इसी पेज पे आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर वाले ऐप की सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। फिर आपको अपने पेज को सिलेक्ट करना है ऊपर की तरफ। यहाँ मिलेगा आपको स्टोरेज यूजेस, तो आपको इस पे करना है टच। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा क्लियर कैश, देन मिलेगा क्लियर डाटा। तो क्लियर डाटा करके इसके बाद कर देना आपको इसका डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसको कर लेना बैक। बैक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा डाटा यूजेस, तो आपको इस पे करना है टच। इस पे टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई। तो दोस्तों आप ये ऑप्शन दोनों देख लेने कि आपके जो दोनों ऑप्शन है वो आपके बंद होने चाहिए, ये चालू ना हो। अगर ये चालू रहेंगे तो आपका यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर वर्क नहीं करेगा। इससे आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा। तो आपके दोनों ऑप्शन बंद होने चाहिए। फिर आपको इसको करना है बैक। यहाँ पे आपको फोर स्टॉप, तो आपको इस पर करना है टच। एक बार इसको कर देना फोर स्टॉप। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के इस तरीके से कर लेना है बैक। अपने फोन को बैक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के बाद रिस्टार्ट कर लेना है, यानी कि बंद करके चालू कर लेना है। और फिर इसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल फोन को एक बार कर लेना फ्लाइट मोड पे लगा के फ्लाइट मोड से हटा लेना है। तो इस तरह दोस्तों आपको ये सेटिंग करने के बाद अपने मोबाइल फोन में दोबारा से ओपन करना है प्ले स्टोर। इस पर टच करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही देर में आपके फोन का प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने का दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पर टाइप करना है जो सा ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि हम करना चाहते हैं व्हाट्सएप, तो यहाँ पे दोस्तों आपको व्हाट्सएप लिख लेना है और इस पर आपको सर्च कर लेना टाइप करके। फिर आपको इस पर करना है टच एंड देन दोबारा से आपको इसको इंस्टॉल करके देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी पेंडिंग प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेकंड वेट करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया, तो हमारी पेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने ओप्पो के फोन में या फिर किसी और एंड्रॉइड मोबाइल में किसी भी ऐप की पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।